वेलकम स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर इंफोसिस कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट्स आज के ये वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे पाइथन के बारे में। मार्केट के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर रिलेटेड बहुत सारे लोग जो एथिकल हैकिंग का कोर्स लर्न कर रहे हैं उनके लिए पाइथन एक ऐसा वर्ड है तो बहुत ज्यादा मार्केट में इसका क्रेज है कि पाइथन क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए। मार्केट के अंदर पाइथन का बहुत ज्यादा आज की जनरेशन के अंदर क्रेज है। कॉलेज में देखो, यूनिवर्सिटीज में देखो, कहीं पे अगर आप कंप्यूटर का नेटवर्किंग का या हैकिंग का कोई कोर्स कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाने का कोई कोर्स कर रहे हो, तो पाइथन बहुत ही ज्यादा मार्केट में क्रेज है, जिसका बहुत ज्यादा अभी मार्केट के अंदर क्रेज चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइथन क्या है। ठीक है, ये पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है मैं ब्रीफ में आपको बता दूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब अगर आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, एप्लीकेशन बनाने हैं, वेबसाइट डिजाइन करनी है, या कोई कंप्यूटर के ऊपर काम करने वाला सिस्टम्स जीयूआई या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वेबसाइट्स बनानी है, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। एक्चुअली डिटेल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है हम अलग से वीडियोज बना देंगे, बट यहाँ पे आपको ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। जो लोगों के पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है उनको अच्छे से आइडिया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत ही ज्यादा, जिसका मार्केट में क्रेज है। इंटरनेट पर देखो, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर देखो, जो भी बंदा एथिकल हैकिंग या हैकिंग का कोर्स करने जाता है वहां पर पता चले कि आप पाइथन लैंग्वेज लर्न करो, पाइथन लैंग्वेज सीखो। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ जैसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज बहुत ज्यादा मार्केट में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए होता है। ठीक है, अब पाइथन के बेनिफिट और एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहली चीज, पाइथन कोई भी प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। लिनक्स ले लो, विंडोज ले लो, मैक ले लो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पाइथन सपोर्ट करता है। मतलब अगर आपने विंडोज 7 में या विंडोज कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन का प्रोग्राम बनाया है, लिनक्स में रन करोगे तो भी चलेगा, मैक में रन करोगे तो भी चलेगा। सेकेंडली, पाइथन एक ओपन सोर्स फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आपको पाइथन लर्न करने के लिए, पाइथन के कोड के लिए, पाइथन प्रोग्राम बनाने के सॉफ्टवेयर के लिए कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। 100% ओपन सोर्स और 100% फ्री है, इसके लिए आपको एक भी रुपया इसके अंदर लगने वाला नहीं है। सेकेंडली, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, बहुत ही इजी, उसके कीवर्ड, उसके सिंटैक्स और उसके स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इजी और अंडरस्टैंडेबल है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा लंबे लंबे स्टेटमेंट्स, लंबे लंबे फंक्शंस, लंबे लंबे कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ते हैं। पाइथन बहुत ही ज्यादा इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें तो पाइथन एक इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पाइथन के अंदर सी लैंग्वेज का कोई छोटा सा कोड बना करके ऐड कर अटैच करके उसके अंदर डाल करके चलाना है, तो हम पाइथन के अंदर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है, C++ ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है जिसका कोड हम पाइथन के अंदर इंटीग्रेट करके, मतलब उसको ज्वाइन करके पाइथन के अंदर डाल करके, पाइथन के अंदर टाइप करके, लिख करके, रन करके चला सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है पाइथन का। सेकेंडली, पाइथन मैक्सिमम प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, विंडोज ले लो, मैक ले लो, लिनक्स ले लो, कोई भी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है कि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम बना और कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ओपन सोर्स है, फ्री है और ऐसे बहुत सारे उसके बेनिफिट है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको आइडिया ज्यादा जाएगा कि एक्चुअली पाइथन क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाइथन को डाउनलोड कैसे करना है। पाइथन चलाने के लिए जैसे हम C++ के अंदर डेव प्लस या टर्बो कंपाइलर डाउनलोड करके उसके अंदर प्रैक्टिस करते थे, पाइथन के अंदर आपको प्रैक्टिस करना है। मार्केट के अंदर पाइथन से रिलेटेड प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पाइथन का सॉफ्टवेयर ऑफिशियल पाइथन की जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड करो। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आपको सीधा सॉफ्टवेयर के अंदर इमीडिएटली मिल जाएगा, आप उसको अपडेट करोगे आपको अपडेट मिल जाएगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चलाने से क्या होगा, जब तक वो लोग अपडेट नहीं करेंगे आपको उसका बेनिफिट, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो पाइथन को हम ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सेकेंडली एक इसके अंदर एक छोटा सा जो इश्यूज है
तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने में पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होता है जो विंडोज 7 के अंदर सपोर्टेड नहीं है। ज्यादातर यूजर्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स, ज्यादातर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है कि पाइथन विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो विंडोज 7 के अंदर पाइथन सपोर्टेड, लेटेस्ट वर्जन सपोर्टेड नहीं है। उसका 3.7 की सीरीज का जो वर्जन है वो विंडोज 7 में सपोर्टेड है। ठीक है, हम विंडोज 7 3.7 की सीरीज का पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे आज के ये वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे। आपको मैं सिखाऊंगा, पहले ऑफिशियल साइट की भी विजिट कराऊंगा, बाद में 3.7 कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गूगल क्रोम आपको ओपन करना है, आपके कंप्यूटर के अंदर गूगल क्रोम ओपन करो, इंटरनेट ओपन करो। अब हम यहाँ पर जा करके जस्ट अ सेकंड मैं सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लूं। तो क्या है आपको मैं कोई हाईलाइट करना हो ना, आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ सॉफ्टवेयर, पहले जस्ट अ सेकंड में इसको ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी ओपन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको भी क्लोज कर देते हैं, यहाँ से कीबोर्ड ओपन कर लिया। चलिए ये हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम के अंदर आपको जाकर के लिखना है पाइथन। क्या लिखना है? पाइथन। बहुत ही इजी है, कोई भी इसके अंदर ज्यादा आपको झंझट नहीं है। हमने पाइथन टाइप किया। गूगल क्रोम के अंदर सबसे पहली जो वेबसाइट आपको दिख रही है वो वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो python.org। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको पाइथन के सारे अपडेट, सारे कोड, सारे पैकेजेस, लाइब्रेरीज सब यहां से आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, वो पीछे जैसे जैसे हम लर्न करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मैं सिखाता जाऊंगा कि कैसे लाइब्रेरीज ये वो कैसे उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, अभी सिर्फ हम डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, यही ये वीडियो के अंदर लर्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है पाइथन का बेसिक ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब ऑफिशियल वेबसाइट को हम एक बार विजिट करके चेक कर लेते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर क्या है। देख सकते हो आप यहाँ पर कि ये ऑफिशियल वेबसाइट्स के अंदर यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन में विंडोज सेक्शंस के अंदर आपको उसके सारे अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके सारे अपडेट्स, बट ये यहाँ पे जितने भी सारे रहेंगे यहाँ पे देखो लिखा है कि नॉट दैट द पाइथन 3.7 कैन नॉट बी यूज्ड इन विंडोज एक्सपी और अर्लियर। ये वेबसाइट पे लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, तो यहाँ से आप अगर डाउनलोड करोगे तो सिर्फ विंडोज 11 या विंडोज 8.1 या 10 ही सपोर्ट करेगा, विंडोज 7 सपोर्ट नहीं करेगा। उसके लिए एक और अलग से वेबसाइट आपको मैं दिखाता हूँ जहां से आप 3.7 वर्जन डाउनलोड करके विंडोज 7 में चला सकते हो। अगर आपके पास विंडोज 11 या कोई है डेफिनेटली आप उसको यहाँ से डाउनलोड करके चला सकते हो, उसके अंदर कोई भी झंझट नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे पाइथन का लेटेस्ट रिलीज यहाँ पे दिया है 3.11। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पाइथन 3.11, बट ये कौन से वर्जन को सपोर्ट करेगा, यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर, मतलब विंडोज 7 के अंदर आप 3.11 वर्जन नहीं चला सकते हो। हमें 3.7 की सीरीज डाउनलोड करनी है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और एक मेरी फेवरेट वेबसाइट है जहां से आपको मैं दिखाता हूँ वहां से आपको कैसे डाउनलोड करना है। हम एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम जा करके दिखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको पाइथन 3.7 फाइल घुमा करके एक साइट है। आपको जस्ट सिंपली गूगल क्रोम में क्या करना है, टाइप करना है, क्या टाइप करना है, पाइथन 3.7 फाइल पुमा वेबसाइट का नेम है। हमें वर्जन जो डाउनलोड करना है 3.7 है, ये साइट से हम पाइथन को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट लिंक ही दिखा रहा है, एक यहाँ पे दिखा रहा है 32 बिट और दूसरा आपको दिखा रहा है 64 बिट। अब आपका कंप्यूटर 32 बिट वर्जन है या 64 बिट वर्जन है ये भी आपको चेक करना है। अगर आप 32 के अंदर 64 चलाने जाओगे नहीं चलेगा, 64 में 32 चलाने जाओगे तो भी नहीं चलेगा। आपको चेक करना है आपका कंप्यूटर का वर्जन 32 बिट है या 64 बिट है। कैसे चेक करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबको मिनिमाइज करो और आपका जो माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर, उसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टी में जाओ,
माय कंप्यूटर का प्रॉपर्टी ओपन करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से बिट का है। मेरा 64 बिट है, आपका हो सकता है 64 बिट हो सकता है 32 बिट भी हो सकता है, 64 बिट 32 बिट, जो भी आपका वर्जन है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। 64 में 32 नहीं चलेगा, 32 में 64 नहीं चलेगा। अब पाइथन से अगर रन हो भी गया, स्टार्ट हो भी गया, पीछे से बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो आपका 64 है 64 बिट इंस्टॉल करो, 32 है 32 बिट इंस्टॉल करो, ठीक है। चलिए तो आपको आइडिया आ गया कि कैसे यहाँ पे लिखा है मेरा 64 बिट कंप्यूटर की प्रॉपर्टी के अंदर, क्लियर। चलिए अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम सीधा चलेंगे फिर से इंटरनेट पे, हम डाउनलोड करेंगे 64 बिट, ठीक है। मेरा 64 बिट है इसलिए हम 64 बिट पे डाउनलोड करेंगे। हम यहाँ पर चलते हैं, देख सकते हो यहाँ पर आप, इसको थोड़ा मैं छोटा करके इधर ले लेता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया जाए क्लियरली। यहाँ पर दिया है पाइथन कुछ 25 MB का है, ठीक है, 25 MB ओपन सोर्स, मतलब 100% फ्री है 64 बिट के लिए। कौन सा वर्जन है, 3.7 हमारा वर्जन है, यहाँ पे लिखा है 3.7। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अब हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोडिंग पाइथन डाउनलोडिंग ऐसा एक मैसेज आ रहा है। इसको डाउनलोडिंग आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपको पूछ रहा है कि ये वायरस फाइल हो सकता है। यहाँ पे आपको ये गूगल क्रोम आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका वायरस फाइल हो सकता है। तो आप इसको रखना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, हमें पता है हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, ये कोई वायरस फाइल नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कीप करेंगे, क्या करना है कीप कर, देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो चुका है, हम कीप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ये पाइथन 64 बिट डाउनलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डाउनलोड पैनल ओपन करेंगे गूगल क्रोम में, यहाँ पर गए डाउनलोड, ठीक है। यू कैन सी हियर यहाँ पे पाइथन 3.7.1 यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसको कैसे इंस्टॉल करें, ये सारा 64 बिट है, मतलब 3-4 बार मैंने डाउनलोड कर लिया, यहाँ से आप उसको डाउनलोड किया है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो पाइथन 3.7.4 भी कल मैंने जो डाउनलोड किया था यहाँ पर है, ये सब डाउनलोड आपका हो गया, ठीक है। हम उसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है रन, मतलब आपको अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। हम क्या करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे, जैसे रन पे क्लिक करोगे यहाँ पे सेंटर में दिया है इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, हमें ऑलवेज इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करना नहीं है। यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो लेकिन उसके अंदर आपको कोई फीचर निकालना है, कोई एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो, बट मैं ज्यादा रिकमेंड यही करूंगा कि आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो, ठीक है। हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए, आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, 1-2 मिनट टाइम लगेगा, आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है 3.7.4। यहाँ पे आप वर्जन देख सकते हो, यहाँ पे वर्जन दिया है 3.7.4। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, विंडोज 7 के अंदर 3.7 के ऊपर का वर्जन इंस्टॉल नहीं होगा, उसके लिए आपको 8, 8.1, 10 या 11 लेना डाउनलोड करना पड़ेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। हम यहाँ पे 7 के अंदर हमने कौन सा इंस्टॉल किया, 3.7। यहाँ पे मैसेज आप देख सकते हो कि सेटअप वाज सक्सेसफुली इंस्टॉल, मतलब हमारा पाइथन का सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब ये सारी चीजें क्लोज करके हम इसको बंद कर देते हैं, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है, इसको भी हम बंद कर देते हैं, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, चेक करना है कि मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद में ओपन होता है या नहीं होता है। हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाओ, स्टार्ट बटन पर जा करके आपको यहाँ पे लिखना है PYT, ओनली पाइथन लिखो, ओनली PY लिखोगे तो भी चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि IDL एक तो सॉफ्टवेयर का है, नीचे और एक दिया है पाइथन 3.7, ये दोनों का हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो दोनों क्या चीज है, एक अलग से वीडियोस बनाएंगे, जब सेकंड फर्स्ट प्रोग्राम हम लर्न करेंगे आपको मैं सिखा दूंगा, पहले इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। देख सकते हो ये मेरा पाइथन का सॉफ्टवेयर पावर सेल, पाइथन का पावर सेल ओपन हो चुका है, मतलब मेरा सॉफ्टवेयर परफेक्टली सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और दूसरा ये जो आइडियल हमने ओपन किया, और एक चीज हम यहाँ से उसका पाइथन का वो ओपन करके चेक करके आपको मैं दिखा दू, यहाँ पे दिया पाइथन 3.7, इसका टर्मिनल भी कंसोल टर्मिनल भी यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन
हो गया 3.7 का क्लियर। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन था पाइथन को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर हो सकता है आपको विंडो वर्जन की रिलीज लिस्ट अवेलेबल है, बट वहां से अगर आपको ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करने में दिक्कत होती हो तो आप मैंने जैसे दिखाया गूगल क्रोम में जाकर के लिखो पाइथन 3.7 फाइल पुमा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इजीली। सारे स्टेप्स मैंने वीडियोस के अंदर आपको दिखाया है, उसको डाउनलोड करो इंस्टॉल करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम और पाइथन का ये जो आईडी और जो कंसोल है उसको कैसे चलाना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लर्न करेंगे, पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग कैसे इसके अंदर टाइप करना है, रन कैसे करना है, ये सारी चीजें नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।